भगवान के ससुराल में और राधा रानी के घर में बरसाना। तो आप देखिए कैसा माहौल है यहाँ पे, ये देखिए काफी ज्यादा भीड़। और जो आप यहाँ पे ये मंदिर देख रहे हैं ये है कीर्ति मंदिर, ये देखिए। ये देखिए यह है कीर्ति मंदिर, राधा रानी की मम्मी का घर है ये। ये देखिए दोस्तों, देखिए फुल एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग स्पेशली हल्द्वानी से आ रहे हैं मथुरा वृंदावन होली मनाने के लिए, और अभी हम लोग हैं बरसाना में। ये देखिए तो फुल देखने लायक नजारा है यहाँ पे। महारो प्यारो बरसाना। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए राधा रानी के महल के गेट में, ये देखिए बरसाना के मेन गेट पे। तो और यहां से अभी अंदर जाना है हमको। कैसा लग रहा है? अभी तो हल्के हल्के पूरा गेटअप चेंज हो जाएगा अभी। दोस्तों अभी हम लोग नंदगांव भी गए थे, तो अगर जिसने वहाँ का हमारा वीडियो नहीं देखा तो मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, उसको भी जरूर देखिए दोस्तों। नंदगांव वहाँ भी बहुत शानदार होली होती है, वहाँ पे लट्ठमार होली होती है। और अभी हम लोग हैं बरसाना में, राधा रानी का महल आएगा अभी। तो अभी हम लोग देखिए पैदल पैदल वहीं जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये है सारी बरसाना की गलियाँ। यहाँ पर आपको कोई भी स्पेसिफिक रंग नहीं डाल रहा है, पर देखिए अब ऑटोमेटिकली हमारी हालत देखिए आप। तो दोस्तों देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, और लोग देखिए पूरे पहाड़ में चढ़े हुए हैं। और यहाँ से देखिए रास्ता ऊपर राधा रानी के महल का, यह दूसरा रास्ता जौन सा मेन वाला रास्ता था। दर्शन जब हम लोग करके जाएंगे अपने घर को तो वहाँ से जाएंगे, अभी ये नया रास्ता बनाया गया है देखिए। तो अभी हमको यहाँ पे इस पहाड़ पे चढ़ना है। तो अभी हमको यहाँ से राधा रानी का महल हो गया है, तो आपको भी दिखाते हैं देखिए। जय श्री राधे, ये देखिए। तो अभी हमको यहाँ से इस पहाड़ के टॉप पे चढ़ना है और वहाँ से हमको पूरा बरसाना नजर आएगा। रेत पे चल रहे हैं हम लोग और रेत बहुत गर्म हो रही है यहाँ पे। कैलाश दोस्तों देखिए अभी हम लोग इस पहाड़ के टॉप में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा राधा रानी का महल कुछ ही दूरी पर रहा है, कुछ ही दूरी भी नहीं कहेंगे, जरा पास में ही रहा है। और यहाँ से देखिए आपको पूरा बरसाना नज़र आ रहा होगा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ देखिए यहाँ भी आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए। तो भाई का कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो अब हाँ, तो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं। देखिए अब रास्ता काफ़ी अच्छा है, टफ रास्ता हमने पूरा पार कर लिया है, अब काफ़ी बढ़िया रास्ता। अब पहुँचते हैं सीधे राधा रानी के महल में। कितना खूबसूरत है राधा रानी का महल।
इसे आप देखिए पूरा गुलाल ही गुलाल पूरा कलर है। दोस्तों आपका स्वागत है राधा रानी के महल में। ये देखिए कितना खूबसूरत महल है। तो अभी यहाँ के कपाट बनने देखिए। दर्शन कितने बजे? 2 बजे। कि अभी सिर्फ 18 मिनट रह गए हैं मंदिर के कपाट खुलने में। ये देखिए काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे, काफ़ी आनंदमय माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और जो आप ये पूरा महल देख रहे हैं ये हज़ारों साल पुराना है, और इसकी आप वास्तुकला देखिए कितना खूबसूरत महल है श्री राधा रानी का। आपको भी दर्शन करवाए, कमेंट में जरूर लिखना राधे राधे। कितना सुंदर श्री कान्हा जी के वस्त्र हैं देखिए। तो अभी हम लोग वही छाट रहे हैं। 3 वस्त्र लिए हैं कान्हा जी के लिए, एक सफ़ेद, एक हरा वाला देखिए, और एक ये मोर वाला। ये देखिए दोस्तों जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है यह है राधा रानी का मंदिर। तो अभी यहाँ पे दर्शन बंद हो गए हैं और खुलेंगे शाम को 5 बजे। ये देखो दोस्तों किस टाइप का यहाँ पे जुगाड़ बनाया गया है, ट्रैक्टर के इंजन के आगे लगा दिया देखिए, जूस का मशीन। वाह, मैंने पहली बार देखा तो सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाऊं। शानदार।